आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो श्री, मैं निरंजन की भाभी बोल रही हूँ। बोलिए मिसेस मेहता, इनफैक्ट मैं आपको अभी कॉल करने वाली थी। प्रीता कैसी है? श्री वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप आके उसे मिल लीजिए। वो सोकर उठ चुकी है? हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोके उठी है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। मेरी आपसे एक ही विनती है श्री, आप जितना जल्दी हो सके उसे आके मिल लीजिए। ठीक है, इनफैक्ट मैं ऑफिस से अभी घर जा ही रही थी, घर जाने से पहले मैं उनसे मिलते हुए जाऊंगी। ठीक है। पलक पापा, पलक बीजन हेलो। हाँ मैम, आप रीता से मिलके आई? नहीं मिस्टर मेहता, लेकिन मैं अभी आपके घर जा ही रही हूँ। मैम प्लीज, आप रीता को समझाएंगे ना? निरंजन, मैं रीता को समझाने नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, उनके दिल का हाल समझने जा रही हूँ मैं। ठीक है मैम। मैम अगर आप रीता से इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकती है ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैम, मुझे बस अपने बच्चों से मिलने की परमिशन चाहिए, दैट्स इट मैम। देखिए निरंजन, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि मैं ऐसी रीता से कोई बात नहीं करने वाली जिसकी वजह से वो दोबारा हर्ट हो। आपको सब्र से काम लेना ही होगा। मैं मौका देखकर जो सही लगेगा वही करूँगी। फिलहाल तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि आप दो तीन बार मुझसे कह चुके हैं ना कि मैं आपकी वाइफ से मिलने जाऊं। सो फाइनली आई एम गोइंग टू मीट योर वाइफ नाउ। ओके ओके मैम। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए निरंजन, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज रीटास ट्रीटमेंट, राइट? राइट मैम। मैम मेरे लिए भी वही फर्स्ट प्रायोरिटी है और कुछ नहीं है मैम। बाय। आप? तुम? आप तो हेट्स की बहन हो ना? तुम समीर हो ना? हेतल का फर्स्ट क्रश? व्हाट? क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रही है तू। कोर्स, मैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही हूँ। सो शू शू इडियट, शर्म नहीं आती तुझे? फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रही है, थोड़ी पढ़ाई कर ले। कम ऑन हेट्स, मैं तेरी तरह फाइनल ईयर में थोड़ी हूँ जो एग्जाम्स की इतनी टेंशन करूँ। मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सो चिल। चिल की बच्ची, पढ़ाई करेगी तभी तो हर साल पास होके फाइनल ईयर तक पहुंचेगी ना, जब देखो बस बॉयफ्रेंड से चैटिंग करती रहती है। हो क्या गया आजकल की लड़कियों को, अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम फालतू के रिलेशनशिप इश्यूज में वेस्ट कर देती है। खैर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, तेरे रिजल्ट के बाद तुझे देख लूंगी। गॉड हेट्स, यू साउंड लाइक माय ग्रैंडमा। तुझे ना लाइफ में थोड़ा चिल करने की जरूरत है,
आई विश सैम तुझे पटाने में सक्सेसफुल हो जाए। व्हाट? शॉक्ड रिएक्शन क्यों दे रही है? तू भी तो धीरे धीरे पट ही रही है ना सैम से। लिसन, ना तो सैम मुझे पटा रहा है और ना ही मैं कोई पटने के मूड में हूँ, सो अपनी बकवास बंद कर। मेरा मुंह बंद करने से सच नहीं बदलेगा, और सच ये है कि स्पार्क तुम दोनों की तरफ से दिखता है। वाओ, ये सब आप दोनों ने कलर किया है? यस आंटी। बहुत ही अच्छा है, आप दोनों बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू आंटी। सच में रीता, आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी। बस अब तो इनकी खुशी के लिए ही जीना है मुझे। अब वैसे रीता, उस दिन आपने मुझे बहुत सुपर्ब वाली कॉफी पिलाई थी, एंड आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग इट टुडे अगेन। आपको फिर से बनानी पड़ेगी। ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। अभी मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। पलक, विजय, बेटा आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना, ठीक है? डोंट वरी, दे आर गुड गर्ल्स। मरून कलर है। आप दोनों को एक क्लिप पसंद आया, ये आप दोनों रख लो। क्यों? पता है आपको, गर्ल्स के पास हमेशा ये क्लिप होना चाहिए। पूछो क्यों? 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 क्योंकि क्लिप तो गर्ल्स की बेस्ट फ्रेंड होती है। सच्ची? सच्ची। रख लो। टेक इट। रहने दे माँ, जब देखना चाहिए था तब तो देखा नहीं तूने। अब तन्नू को देखकर क्या करेगी माँ? तब तो तू और बापूजी उससे मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। बापूजी तो शक्ल भी देखने के लिए तैयार नहीं थे मेरी तनु की। इतनी नफरत क्यों थी उन्हें तनु से माँ? ऐसी बात नहीं थी राहुल, मैं तुझे जितना भी समझा, मैं जानती हूं तू नहीं समझेगा, फिर भी तुझे समझाने की कोशिश करती। तेरे बापूजी उससे नफरत नहीं करते थे, आखिर वो भी तो किसी की बच्ची थी, हम क्यों करेंगे उससे नफरत? नफरत नहीं थी तो उसे बिना देखे मना क्यों कर दिया बापूजी ने? मजबूरी थी उनकी। काश तो उनकी मजबूरी को समझ सकता। नहीं समझना मुझे बापूजी की मजबूरी को, और ना ही मैं जानना चाहता हूं कि उनकी क्या मजबूरी थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज तनु मेरे पास नहीं है, और मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह तनु की याद में बितानी होगी।